जय राम जी की जय। साईं लीला शाह, स्वामी लीला शाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है कल्याण मार्ग। 25 जून 1958 में नैनीताल में किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि परमात्मा व सत्पुरुषों से चाहे सदैव प्रेम रखें, रखना भी चाहिए, परंतु हे प्रिय, बार बार यह बात दोहरानी नहीं चाहिए। यह बात जितना भीतर दबा कर रखेंगे उतना अधिक फायदा होगा। जिन्हें यथार्थ आत्मदर्शी समझते हो उन्हें भूलकर भी शरीर भावना से नहीं देखना चाहिए, उन्हें तो पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप समझना चाहिए। आत्मा द्वारा वे यथार्थ आत्मदर्शी तथा हम सब एक हैं, रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है। जैसे एक ही आकाश सभी घरों व गढ़ों में चारों ओर फैला हुआ है, वैसे आत्मा के कारण हम एक आकाश की भांति व्यापक है। द्वेष बंधन का ही कारण है। जिस दिन से स्वयं को शरीर समझा तथा परमात्मा को अपने से अलग समझा, मानो उसी दिन से दुख शुरू हो गए। जयराम जी की। हमारे सामने यह उद्देश्य होना चाहिए कि स्वयं को पहचान कर जन्म आदि दुखों से मुक्ति प्राप्त कर अखंड आनंद में लीन रहें, अर्थात मुक्त हो जाएं तथा जीवन मुक्त विदेह मुक्ति का आनंद प्राप्त करें। जयराम जी की। शरीर की आसक्ति ही हमें दुख देती है। अर्जुन बहुत मोहजाल में फंस गया था, परंतु श्री कृष्ण के समझाने पर वह समझ गया तथा जान गया कि यह संसार स्वप्न की भांति है। मैं तो किसी अज्ञान के अंधकार में पड़कर अंधों की भांति हाथ पांव चला रहा था। जैसे मुझ साक्षी में स्वप्न की सृष्टि है, वैसे यह भी स्वप्न का खेल है। बाजीगर जैसी बाजी पाकर लोग तमाशे आए। जयराम जी की। जो स्वयं को शिष्य कहलाता है वह अगर शिष्य होकर रहा तथा गुरु नहीं बना, तो फिर शिष्य बनकर उसने क्या किया? अर्थात वह पूर्ण ज्ञानी नहीं बना तथा सदैव अज्ञान के अंधकार में रहा। स्वयं को रक्त मांस हड्डियों गंदगी आदि से भरा हुआ शरीर मानता रहा, तो फिर वह सच्चा शिष्य कैसे कहलवाएगा? इस शिष्य बनने से उसे क्या लाभ हुआ? जय राम जी की। जय साईं लीला शाह।